Dear students, in today's lecture, we are reaching almost the pinnacle of those four provisions or four major offenses which are related or which can be committed in respect of movable or immovable property and have been enumerated in this chapter, chapter 17 of the Penal Code. हम chapter 17 discuss कर रहे हैं. इसमें चार बड़े offenses हैं, और भी offenses हैं, but there are four major offenses जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में कमिट किए जा सकते हैं. एंड वन ऑफ देम इज थेफ्ट, अनदर इज एक्सटॉर्शन, एंड द लास्ट टू जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रॉबरी एंड डकैती. हम थेफ्ट और एक्सटॉर्शन को प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं. थेफ्ट की डेफिनेशन 378 में मिली हमें और रॉबरी की डेफिनेशन हमें मिली 383 में, सॉरी एक्सटॉर्शन की. नाउ रॉबरी एंड डकैती मैंने आपसे पहले ही कहा था, एज वी स्टार्ट टू मूव फर्दर एंड अहेड, ये उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा समझने के लिए. आई थिंक दिस इज द थ्रेशहोल्ड ऑफ द क्लास. सो टुडे आई विल ट्राई टू डिलीवर समथिंग ओनली इन द स्पेसिफिक ऑफेंस ऑफ रॉबरी, बिकॉज इसकी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स है और डकैती समझते समझते पिछला सारा जहन से निकलने का अंदेशा है. सो वी ट्राई, पहले हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, ओवरव्यू ऑफ प्रोविजंस हम नेक्स्ट लेक्चर में समझने की कोशिश करेंगे. सी, रॉबरी एंड डकैती is another species of offences and which may be committed against property, movable or immovable. They actually, the provisions covering them are specified from 390 to 402. 403 or 404 आप जानते हैं, फिर misappropriation, criminal misappropriation के provisions हैं, हम उनको बाद में discuss करेंगे. But ये robbery और डकैती के provisions 390 से 402 तक है. With the threshold, with the starting with the definition of robbery. Robbery. Robbery को cover करने वाले provisions काफ़ी हैं. इनमें से majorly defining और definition clause 390 है. फिर 392 में इसकी punishment है ordinarily. फिर 393 में, specific form 394 में, वो सारे provisions का overview अगले lecture में देंगे. इसमें देना मुनासिब नहीं है because बहुत सारी चीज़ें जहन में mix हो जाएंगी. What is robbery? अगर हम अभी definition में नहीं जाएंगे, आप अक्सर पढ़ेंगे robbery is theft or extortion committed with violence. बहुत सारे textbook writers ने ये लिखा हुआ है, which is partially correct, मगर सही definition नहीं है. I mean, this is not the correct approach. अभी हम देखेंगे और आप भी इससे differ करने लगेंगे. जो authors ने observe किया हुआ है कि robbery के में theft या extortion होता है violence के साथ. Violence is not the appropriate word. सो वट हैपन्स, हम डेफिनेशन में चले जाएंगे कि होता क्या है फिर, मगर अभी इतना समझना काफ़ी है कि थेफ्ट और एक्सटॉर्शन ये जो हैं दो ऑफेंस जो हमने पढ़े अभी तक, अगर ये आगे जाकर के ये एक प्रोसेस से गुजर गए, एक प्रोसेस से, यानी कुछ और हो गया थेफ्ट के अलावा, तो इट दे में कल्मिनेट इन टू रॉबरी. वो रॉबरी में तब्दील हो सकते हैं या हो जाते हैं. इसको हम सादे जबान में यूं कह सकते हैं, इसको मानिए आप समोसा, तो आटा या मैदा जब एक सर्टन प्रोसेस से गुजरता है तो आटा भी समोसा बन जाएगा, मैदा या बेसन भी समोसा बन जाएगा. दीज आर टू डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस. इनकी डिस्टिंक्शन हमने समझ ली. मेजरली हमें याद है कि ये कंसेंट, पोजेशन के अगेंस्ट ऑफेंस है विदाउट कंसेंट, एक मूवेबल प्रॉपर्टी ले ली जाती है और दूसरे पर्सन की पोजेशन से, और इसमें एक्सटॉर्शन में इसमें उसी पर्सन को फेयर ऑफ इंजरी कॉज करके प्रॉपर्टी, मूवेबल या इमूवेबल या वैलेबल सिक्योरिटी या कोई भी चीज़ जिसे वैलेबल सिक्योरिटी में बदला जा सकता है, साइंड एंड सील्ड, उसको डिलीवर करने को कहा जाए उस पर्सन जो फेयर ऑफ इंजरी में रखा गया है. तो मैं बता रहा हूँ फिर से कि थेफ्ट या एक्सटॉर्शन अगर कोई और चीज़ के साथ मिल गए तो वो न थेफ्ट रहेंगे न एक्सटॉर्शन रहेंगे. मिसाल के तो इसका मिसाल ऐसे है, एक और मिसाल ले लेते हैं, जैसे दूध बजाते खुद सिर्फ दूध है, मगर अगर वो सर्टन प्रोसेस से गुजर गया तो वो या दही बनेगा या मक्खन बनेगा या घी बनेगा. सो सिमिलरली इज द केस ऑफ थेफ्ट एंड एक्सटॉर्शन. ऑर्डिनरली थेफ्ट 378 में थेफ्ट हो जाती है, मगर अगर इस प्रोसेस से गुजरा जो 390 में बताया गया है, इट विल बिकम रॉबरी. नाउ लेट्स कम
टू द प्रोविजन 390 इटसेल्फ कैसे इंट्रोड्यूस करता है रॉबरी के ऑफेंस को. इट स्टार्ट्स विद द स्टेटमेंट, जो कहने की जरूरत नहीं थी डेफिनेशन के लिए, वैसे वो तो डेफिनेशन समझ के हमें आ जाता समझ, कि इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन. रॉबरी में, हर एक रॉबरी में या थेफ्ट होता है या एक्सटॉर्शन होता है. सो यहाँ से बात खत्म हो जाती है, दैट रॉबरी इज एन aggravated form of either theft or extortion. This is the correct statement. It's an aggravated form, जिसमें gravity और degree थोड़ा बड़ी हुई हो. Now there the definition आपको दो heads में मिलेगी. Number one, theft amounting to robbery, और इसे कह सकते हैं when theft is robbery, theft amounting to robbery. Theft कब robbery बनेगी, तो थेफ्ट की डेफिनेशन इसके लिए हमें याद करनी पड़ेगी. अभी मैं उन प्रोविजंस को सम अप करूंगा जो ये पार्ट समझने में हमें मदद करेंगे. पहला प्रोविजन, पहला जो दिस पैराग्राफ है ऑफ दिस सेक्शन 390, इट प्रोवाइड्स दैट थेफ्ट कब रॉबरी बनेगी. सेकंड पैराग्राफ प्रोवाइड्स अस कि एक्सटॉर्शन कब रॉबरी बनेगा. सो अभी हम थेफ्ट को समझते हैं, थेफ्ट कब रॉबरी बनेगी. अभी मैं बता रहा हूँ, देन विल गो टू द बेयर लैंग्वेज. अभी बेयर लैंग्वेज से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि थेफ्ट के चार स्टेजेस कवर किए गए हैं, यानी ट्रांजैक्शन के हिसाब से. स्टेजेस नहीं है 1, 2, 3, 4, दे आर द ट्रांजैक्शंस स्प्रेड ओवर इवेंट्स. यानी मिसाल के तौर पर एक इंसान ने चोरी करने के लिए आगे बढ़ा, थेफ्ट के लिए, तो कमेंस, ही हैज कमेंस्ड टू स्टील और टू कमिट थेफ्ट. फिर आगे बढ़ के उसने थेफ्ट सच में किया और फिर उस प्रॉपर्टी को लेने लगा. अब वो लेने में कामयाब हो गया, नाकाम हो गया. सो इट माइट, ही माइट कमिट थेफ्ट और अटेम्प्ट थेफ्ट. सो इन चार हैं जो कवर किए गए हैं. इन चार स्टेजेस में से किसी भी एक स्टेज पे अगर एक्सटेंड कर गया, स्प्रेड हो गया, या ऑफेंडर ने क्या किया, ही कॉज्ड एनी ऑफ द थ्री थिंग्स. उसने voluntarily cause किया क्या, या death या hurt या wrongful restraint, या इनको cause करने का attempt किया, या इनके fear को cause किया. instantaneous of these elements, ये theft robbery बन जाएगी. illustrations और bare language से हमें मेरी ये उलझी हुई बातें सुलझने लगेंगी. Let's go to the bare language. Bare language provides that theft is robbery. अब सारी यहाँ definition में लिखूंगा नहीं, but कुछ main चीजों को मैं highlight करता जाऊंगा. देखिए, theft is robbery. So पहला keyword robbery की definition में हमें जो मिला वो theft है. तो इसके लिए हमें 378 में फिर जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ movable property होगी. तो this part extends only to movable properties and possession and consent etc. Theft is robbery if, तो वो चार stages अब गिना रहा हूँ, वो लिखना ज़रूरी है. In order to the committing of the theft, in order to the committing of the theft, theft is robbery if in order to the committing of the theft, or आगे बढ़ा, अभी उसने चोरी करनी शुरू कर दी थी, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और इन अब कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के ट्रांजैक्शन के दौरान कभी भी चोरी का माल अब ले जा रहा है, तो उसमें दो स्टेजेस होंगे, या कामयाबी से ले जाएगा, या उसमें बस अटेम्प्ट करेगा और नाकाम हो जाएगा. लोगों के डराने वराने से, या आवाज़ या अलर्टनेस से उसको प्रॉपर्टी छोड़नी पड़ेगी. सो नेक्स्ट स्टेज होगा, या नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन होगा, और इन कैरिंग अवे थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे इन दो को आगे किससे जोड़ा गया है, और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट. आगे वो क्लॉजेस हैं जो मैं बता रहा हूँ. द ऑफेंडर, वो जो चोरी कर रहा है वो क्या करे, द ऑफेंडर
for that end. This is a key word, for that end. For that end, यानी इन में से किसी भी एक गर्ज के लिए वो अब कुछ करना चाहिए. Now comes the accessories of that offense. ये तो ये सारा accessories तो theft का ही apply होगा obviously. That in order to the committing of the theft, or in committing the theft, or in carrying away the property obtained by theft, or attempting to carry away the property obtained by that theft, that offender for that end voluntarily. याद होगा आपको, बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन में वो जो कॉज करता है फेयर इंटेंशनली, तो वो यहाँ वॉलेंटरिली है. और आप जानते होंगे वॉलेंटरिली की इसका स्कोप इंटेंशनली से ज़्यादा बड़ा हुआ है. वॉलेंटरिली इज़ वाइडर देन इंटेंशनली. इसमें ज़्यादा फंसने के चांसेस है अक्यूज्ड के. अभी इसमें जाएंगे. वॉलेंटरिली कॉजेज क्या करे, कॉज करे, कॉजेज और अटेम्प्ट करे, या अटेम्प्ट करे, ज़रूरी नहीं है. वॉलेंटरिली कॉजेज और अटेम्प्ट्स कॉज किसको, टू एनी पर्सन. एनी पर्सन, ये कीवर्ड्स लिखूंगा बस. अब क्या करे कॉज इसको, तीन में से एक चीज़ें, डी एच आर. मैं इसको अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि इसको डर से याद रखा करो. डी एच आर इज अ वेरी, डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, ये रिस्ट्रेंट से है. और अगर ये नहीं वॉलंटरली कॉज किया या अटेम्प्ट किया, या फिर फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ. इंस्टेंट वर्ड को हाईलाइट करिए, इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. मैं अब इसके कीवर्ड्स को नोट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड का स्पेस थोड़ा कम है. हम वापस जाते हैं और डेफिनेशन को, तब तक आप अपने बेयर लैंग्वेज को फिर से देख लीजिए. मैं फिर से रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ. थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट, द ऑफेंडर फॉर दैट एंड voluntarily causes or attempts to cause to any person death or hurt or wrongful restraint or fear of instant death or of instant hurt or of instant wrongful restraint. देखिए कितनी complex होती जा रही है ये definition. अभी हम इसी को समझेंगे, बस इसी part को. अभी एक part बचा हुआ है robbery का, जब extortion robbery बनता है. तो अभी हम देख रहे हैं theft कब robbery बनता है. तो keywords को note कर लेते हैं. देखिए पहला ही कीवर्ड है थेफ्ट. ऑब्वियसली रॉबरी प्री रिक्वायर्स थेफ्ट, तो 378 हमें इसमें मदद करेगा. थेफ्ट किसे कहते हैं, ऑब्वियसली मुझे भी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, जो 378 में एसेंशियल्स है. इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, और इन कमिटिंग द थेफ्ट, और इन कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय द थेफ्ट, और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे द प्रॉपर्टी द ऑफेंडर वॉलंटरली. यस, वॉलंटरली, वॉलंटरली, voluntarily आपको याद होगा, this is qualified by section 39 in the definitions, जो general explanations है उसमें section 39 बहुत important है और पूरा उसको याद करना पड़ेगा section को यहाँ. And then causes or attempts to cause to any person, yes, फिर तीन offenses है, death or hurt or wrongful restraint. क्योंकि इसको डिटेल में यही इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि एक्सटॉर्शन के टाइम तकरीबन यही सारी चीज़ें रिपीट होंगी फिर से विद सर्टन वेरिएंट्स. तो लेकिन इनको कॉज करे, अब इन तीन में क्या होना चाहिए, या इनका कमीशन होना चाहिए यानी कमीशन हो, या अटेम्प्ट हो, या मेरली फेयर हो इनका, बट इंस्टेंट फेयर ऑफ दीज थिंग्स, इंस्टेंट फेयर. आप देखिए अगर एक एक्ट है, एक्ट शुरू होता है प्रिपरेशन से. पहले ही बताया था स्टेजेस ऑफ क्राइम के टाइम हम ये डिस्कस कर चुके हैं, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा. बट अगर यहाँ तक प्रिपरेशन है, इससे आगे प्रिपरेशन के आगे फिर इंटेंशन के बाद प्रिपरेशन है. इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता है, हमेशा बताया है. प्रिपरेशन स्टेजेस, सपोज यहाँ से प्रिपरेशन शुरू होता है यहाँ तक प्रिपरेशन के बाद, अब ये कमीशन करेगा, अगर नाकाम हो गया तो वो अटेम्प्ट रिड्यूस, इट विल बी मेयरली रिड्यूस टू अटेम्प्ट, तो इसको हम कमीशन मानेंगे. इस पार्ट को यहाँ से यहाँ तक को मानेंगे अटेम्प्ट, और इस पार्ट को मानेंगे कमीशन. कमीशन यानी यानी अब कामयाब हो गया. तो चूंकि इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता है, प्रिपरेशन बहुत थोड़े ऑफेंसेस की पनिशेबल होती है,
नॉर्मली नहीं होती बिकॉज प्रिपरेशन तो, और मैंने आपको बताया था इसी पार्ट में, इसी कैप्शन में वो आएगा सेक्शन 399, जो बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए कि ये आईपीसी में कुछ सेक्शंस हैं जो प्रिपरेशन स्टेज पे ही एक ऑफेंस को पनिशेबल बना देते हैं 399 में, प्रिपरेशन फॉर कमिटिंग डकैती इज पनिशेबल प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन के बाद स्टेज हो गया शुरू यहाँ से कमीशन का या अटेम्प्ट में, और अटेम्प्ट का मतलब अनसक्सेसफुल कमीशन, और दूसरा कमीशन। अब हम ये इसलिए बता रहे हैं, सी लुक एट दीज थ्री थिंग्स, या इनका अटेम्प्ट करे, या कमीशन करे, या इनके फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट रॉन्ग फॉरेस्ट। अब अगर इनका सिर्फ प्रिपरेशन किया था, तो इसीलिए मैंने याद करिए, मैंने पहले कहा था व्हेन वी डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू थेफ्ट, 382 था इससे रिलेटेड कुछ थोड़ा थोड़ा, आप इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा 382 को, आपको याद आएगा मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रिपरेशन स्टेज तक अगर थेफ्ट के साथ इनमें से कुछ और किया, प्रिपरेशन किया उसके बाद थेफ्ट की, तो 382 में वो पनिशेबल होगा और वो चीज़ें रॉबरी नहीं बनेंगी। लेकिन प्रिपरेशन से आगे बढ़ गया डेथ हर्ट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को लेकर के, क्या किया, कमीशन किया या अटेम्प्ट किया या फेयर ऑफ इंस्टेंटली कॉजिंग दीज थिंग्स किया, तो ये रॉबरी बन जाएगा। पहली चीज ये बात यहाँ बताना ज़रूरी था बिकॉज 382 से इसको रिलेट करना था, पहले लेक्चर्स में ही बता चुके हैं। सो ये तीन चीज़ें हों, डेथ हर्ट रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट, और इनका फेयर हो या अटेम्प्ट हो। नाउ फिर से देखते हैं, कोई कीवर्ड तो नहीं छूट गया, थेफ्ट इज रॉबरी इफ इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और कमिटिंग द थेफ्ट और इन कैरिंग अवे। अब इन चार चीज़ें जो हैं, ये जो चार ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको मैं बताया था अभी, इन ऑर्डर टू द जहाँ भी आपको इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ डैश 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 हो, इसमें आईपीसी में इस चीज़ का मतलब होता है कमेंसमेंट ऑफ दैट ऑफेंस। मिसाल के तौर पर इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ए बी सी है, और यहाँ एक मकान मालिक है डी, डी का यहाँ खेत है, खेत में कोई फसल लगी हुई है, इसको चुराने के लिए यहाँ गए इसके घर पहले, और इसके घर के बाहर इसको लॉक कर दिया ताकि ये बाहर निकले नहीं, फिर आगे जहाँ फसल की चोरी की और फसल बन गई मूवेबल प्रॉपर्टी, जो ही काट दिया। हालांकि इतना करने से अगर ये चीज़ नहीं करते, इसको लॉक नहीं करते, सीधे यहाँ जाके चोरी करते, इट वुड हैव बीन एन ऑफेंस ऑफ थेफ्ट ओनली, क्योंकि इन्होंने इसको कॉज किया रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट। सो दिस इज द केस ऑफ रॉबरी, अब ये थेफ्ट नहीं रहा, ये रॉबरी बन जाएगा। तो ये मैं बता रहा था आपको कि ये डेथ करे या हर्ट करे या रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट करे प्लस थेफ्ट। नाउ लेट्स वंस अगेन इसके जो कीवर्ड्स हैं फिर देखते हैं, कोई छूट तो नहीं गया, प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय द थेफ्ट फॉर दैट एंड यस हर्ट रॉन्ग रेस्ट्रेंट, यस काफ़ी है, इतना काफ़ी है। लुक एट द वर्ड्स, फर्स्ट थेफ्ट, थेफ्ट को थेफ्ट के अंदर हम एट लेंथ डिस्कस कर चुके हैं और अभी उन चीज़ों को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो थेफ्ट को गौर से देखना पड़ेगा, रॉबरी तो नहीं है या प्योरली थेफ्ट का केस है। अगर थेफ्ट के अलावा कोई और ट्रांजैक्शन हुआ है जिसमें क्या हुआ कि चोर ने चार में से एक ट्रांजैक्शन कमेंसमेंट ऑफ द थेफ्ट यानी इन ऑर्डर टू द कमिटिंग, अगर थेफ्ट यहाँ से चोरी होती है तो यहाँ से शुरू होती है, तो यहाँ से यहाँ तक हम कहेंगे इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट। ये जो मैंने मिसाल दी अभी, ये अभी फसल काटने ही जा रहे थे, इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट, अभी शुरू ही कर रहे थे, अभी थेफ्ट हुआ नहीं है। इसीलिए ट्रांजैक्शंस जितने भी चोरी के ट्रांजैक्शंस है टाइमलाइन के हिसाब से, मैकॉले हैज अप्लाइड दिस डेफिनेशन स्ट्रेचिंग टू द एवरी पार्ट ऑफ दैट थेफ्ट ट्रांजैक्शन। अभी शुरू ही कर रहे थे, उन्होंने उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट किया पहले, फिर चोरी तो अभी हुई नहीं, चोरी अब शुरू होगी, बट ये सारा ट्रांजैक्शन एज ए होल रीड किया जाएगा, दिस इज अ केस ऑफ रॉबरी। ऐसा नहीं कि हम उसको रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को अलग ऑफेंस कहेंगे, ऑल्दो चार्जशीट बनते वक्त रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट का भी चार्ज लगेगा, बट चार्ज लगेगा 392 के अंडर भी, बिकॉज इट्स अ रॉबरी नॉट अ थेफ्ट। सो इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट और इन कमिटिंग द थेफ्ट, तो कमिटिंग यहाँ तक है, अभी चोरी कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब ये फसल काट रहे थे, अभी रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट नहीं किया था, मालिक आने लगा तो इन्होंने उसकी तरफ पत्थर फेंके, सो दे कॉज्ड हिम हर्ट और अटेम्प्टेड टू कॉज हिम हर्ट और फेयर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, कोई भी चीज़ हो गई, सो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ रॉबरी एंड नॉट थेफ्ट। अब ये चोरी कर रहे थे तो चोरी, अब चोरी का माल ले जा रहे थे, इन कैरिंग अवे द प्रॉपर्टी ऑब्टेन बाय द थेफ्ट,
तो पूरा माल ले जा रहे थे, रास्ते में मालिक मिला, इसने कहा ये फसल कहाँ से लाए, ये पहचान गया मेरे खेत का है। इसने रोकने शुरू कर दिया, उन्होंने इसको पेड़ के साथ बांध दिया और भाग गए। दिस इज अ केस ऑफ रॉबरी अगेन, नॉट अ थेफ्ट। और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे, इसने उनको चेज किया, उन्होंने प्रॉपर्टी छोड़ दी, मगर इसको मारा वारा मार के भागे ताकि अपनी जान छुड़ाएं। दिस इज अगेन अ केस ऑफ रॉबरी एंड नॉट अ केस ऑफ थेफ्ट। तो चार में से किसी भी ट्रांजेक्शन पे एक्सटेंड करें, चार से मतलब ये है कि ये इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से सारी पार्ट्स पे टाइमलाइन के हिसाब से कवर किया हुआ है, सो थेफ्ट। नाउ अनदर वर्ड, यहाँ जो कीवर्ड है दैट इज वॉलंटरिली, इसको गौर से समझना चाहिए। इसमें दोबारा हम सेक्शन 39 में जाएंगे। डेफिनेशंस को डिस्कस करते वक्त हमने 39 को एट लेंथ डिस्कस किया था, बट लेट्स वंस अगेन उसको कोशिश करें याद करने की। मैंने अभी कहा था कि जो एक्सटॉर्शन की डेफिनेशन है इटसेल्फ 383 की, उसमें जो मेंजरिया चाहिए इंटेंशनल यूज ऑफ फेयर है ना, हूएवर इंटेंशनली, तो वहाँ इंटेंशनल है और यहाँ वॉलंटरली है। तो अगर ये चीज़ इंटेंशनल है या इंटेंशन है, इतना सब कुछ वॉलंटरली होगा। वॉलंटरली में हमेशा इंटेंशन होता है, मगर इंटेंशन का मतलब हमेशा वॉलंटरी नहीं है। वॉलंटरली का स्कोप ज़्यादा बड़ा हुआ है, ये कहाँ से पता चलता है, 39 से इटसेल्फ। लुक एट 39, 39 क्या कहता है, अ पर्सन इज सेट टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंटरली वेन ही कॉजेज इट बाई मीन्स वेयर बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट। नंबर वन इंटेंशन आता है वॉलेंटरली में, और बाई मीन्स विच एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू यानी नॉलेज और हैड रीजन टू बिलीव टू बी लाइकली टू कॉज इट। तो ये तीन चीज़ें हैं जो वॉलेंटरली में आते हैं। इसका मतलब रॉबरी थेफ्ट कब रॉबरी बनी, इसका स्कोप खोल दिया है, इंटेंशनली नहीं होना चाहिए, ये वॉलेंटरीली भी हो सकता है। अब कहेंगे आप इंटेंशनल वॉलेंटरी में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान ने कुत्ता खड़ा कर दिया यहाँ चोरी करते वक्त, इस डर से कि अगर मालिक आएगा या कोई और आएगा तो ये कुत्ता उसको डराएगा, भौंकेगा या उसको देख के भाग जाएगा। सो मालिक आया नहीं, मालिक आया नहीं, या उसने सो ही हैड नॉलेज नॉट इंटेंशन। सो दिस नॉलेज अमाउंट्स टू वॉलेंटरीनेस एंड हेंस उसने कॉज की रॉबरी एंड नॉट थेफ्ट। इसके लिए बेस्ट इलस्ट्रेशन जो हमें मिलेगी वो 39 के इटसेल्फ है। याद करिए उस इलस्ट्रेशन को, ए फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी। देखिए वर्ड जो याद यूज किया है मैकॉले ने, दैट इज रॉबरी। सी हाउ ब्यूटिफुली दीज एक्ट्स आर ड्राफ्टेड, और कितना दिमाग इसके लिए चाहिए होता है। ए फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी सेट्स फायर टू इनहेबिटेड हाउस इन अ लार्ज टाउन। एक बहुत बड़े शहर में चोरी करने के लिए एक रिहायशी मकान में, रेजिडेंशियल हाउस में, इनहेबिटेड हाउस में आग लगा दी। हालांकि आग किसी और घर में लगा दी ताकि लोग उधर ही लग जाएं और चोरी करें, उसको इंटेंशन नहीं है किसी को मारने का। और इवन दो ही मे रिग्रेट, आप प्लीज इलस्ट्रेशन फिर से पढ़िएगा, इवन दो ही मे रिग्रेट दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट, येट अगर उसको नॉलेज थी और हैड रीजन टू बिलीव दैट ही इज लाइकली टू कॉज डेथ बाय कॉजिंग सच फायर, और उस फायर से कोई मर गया, ही हैज कॉज्ड द डेथ। और इलस्ट्रेशन में मैं बता रहा हूँ ब्यूटी क्या है, ए फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग रॉबरी, वो कह सकता था इसको थेफ्ट, मगर ये थेफ्ट नहीं है। क्यों? बिकॉज ही कॉज्ड फेयर ऑफ डेथ आग लगा करके, सो इसलिए अब ये रॉबरी बन गया, थेफ्ट नहीं रहा। सी दैट्स द ब्यूटी ऑफ इलस्ट्रेशन। सो वेर अ पर्सन कॉजेज डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और अटेम्प्ट कॉज डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ और ऑफ इंस्टेंट हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, द एक्ट डज नॉट रिमेन थेफ्ट एनी मोर, दैट थेफ्ट अमाउंट्स टू रॉबरी। अब कमीशन हो गया, अटेम्प्ट हो गया इन तीन का, और तीसरा है इंस्टेंट फेयर। द थर्ड एलिमेंट इज इंस्टेंटेनियस। अब ये इंस्टेंट होना जरूरी है, इफ द फेयर इज नॉट इंस्टेंट इट इज नॉट रॉबरी, द थेफ्ट विल नॉट अमाउंट टू रॉबरी। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट करते वक्त एक इंसान ने चोरी की, एक खत छोड़ के गया कि हम माल ले जा रहे हैं, अगर पुलिस में इत्तला की या पुलिस में रिपोर्ट की तो हम बम से उड़ा देंगे। हालांकि ये धमकी, देयर इज अ फेयर ऑफ डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, बट दिस इज नॉट इंस्टेंटेनियस,
थेफ्ट अलग है, ये इंटिमिडेशन हो सकता है, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, बट इट्स नॉट रॉबरी. ये चार्ज क्लियरली सिर्फ थेफ्ट का होगा. अच्छा, फॉर एग्जाम्पल गेट कीपर है एक घर का, गेट कीपर को लॉक कर दिया, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया उसका ताकि उसकी चीज़ चुराएं. सो दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ रॉबरी एंड नॉट थेफ्ट. सी द ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन ए इसकी क्या है. इलस्ट्रेशन ए ये कहती है दैट ए होल्ड्स अ पर्सन डाउन, उसको ऐसे पकड़ के नीचे दबाया, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स हिज मनी एंड पर्स आउट ऑफ द क्लोथ्स और पॉकेट्स. तो उसकी जेब से कोई चीज़ निकाली फ्रॉडुलेंटली, उसको पता भी नहीं, विदाउट हिज कंसेंट. तो ऑब्वियसली ये केस थेफ्ट का लग रहा है, बट इलस्ट्रेशन टेल्स अस दैट क्योंकि उसने नीचे पकड़ के उसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कॉज किया, सो इट बिकम्स अ केस ऑफ रॉबरी. अब ये थेफ्ट नहीं है. नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल ऑफ दीज थ्री, कि इन्हीं तीन को क्यों सिलेक्ट किया. आपको याद होगा थेफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है, देर इज नो फेयर और नॉट एनी ऑफेंस. ये तीन ऑफेंसेस जो तीनों चुने या कहाँ से हैं, चैप्टर 16 से हैं. ऑब्वियसली आपको लग ही रहा होगा दीज आर ऑफेंसेज अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी. अब इनमें से तीन ही लिए हैं, बाकी नहीं लिए हैं. टू द एक्सट्रीमिटी, मोस्ट एक्सट्रीमिटी ह्यूमन बींग के अगेंस्ट क्या कॉज किया जा सकता है, मैंने वो क्रोनोलॉजी और द सीक्वेंस ऑफ ऑफेंसेज समझाया था. एक्सट्रीम केस में डेथ हो जाती है, जब इंसान की जान ही ले ली गई, और थ्रेश होल्ड में असॉल्ट होता है, असॉल्ट से थोड़ा डिग्री में हो जाएगा ऊपर हर्ट. तो तीन चीज़ों को सिलेक्ट किया है. तो हर्ट के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, 319 ऑब्वियसली, 319 आईपीसी का, और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए हर्ट 319 और रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट के लिए 339 है. अब यहाँ सवाल खड़ा होता है जो लाजिम बनता है, रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट को तो मेंशन किया, हर्ट को तो मेंशन किया, व्हाई नॉट ग्रीवियस हर्ट. अब अगर उसने ग्रीवियस हर्ट कॉज किया, ऑब्वियसली द लॉजिक इज वेरी सिंपल कि हर्ट का एग्रेवेटेड फॉर्म ग्रीवियस हर्ट होता है, तो उसको ना मेंशन करके इसका मतलब नहीं है कि अगर थेफ्ट करने के दौरान उसने ग्रीवियस हर्ट किया तो चूंकि डेफिनेशन में सिर्फ हर्ट है तो वो रॉबरी नहीं हो सकती. इट इंक्लूड्स, इट इज द थ्रेश होल्ड हर्ट, तो ग्रीवियस हर्ट का कोई भी या हर्ट का कोई भी फॉर्म इसका मतलब इंक्लूड होगा. इट इज़ लाइक सेइंग, अब इसकी मिसाल एक फनी ले लेते हैं, योर फादर टोल्ड यू कि मेरा ये बॉक्स है, इसमें से एक रुपए भी अगर निकाला तो यू विल फेस द म्यूजिक, और आपने कहा कि मैं तो एक निकालूंगा ही नहीं, मैं दो निकालूंगा. सो दैट विजडम विल फेल. आप दो निकाल रहे हैं, दो इज ऑलवेज एक प्लस एक, तो उनके एक रुपए भी निकालने का मतलब ये था कि एक कोई रुपया नहीं निकालना है. सो बाई मैंशनिंग द थ्रेश होल्ड कि हर्ट है तो ग्रीवियस हर्ट कॉजिंग एसिड एटसेट्रा एटसेट्रा 326A वो सारे प्रोविजन कवर होते हैं. इसी तरह रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट वॉलेंट्री ऑब्स्ट्रक्शन होता है एक पर्सन का फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन 339 में, इन विच ही हैज़ राइट टू प्रोसीड. बट रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट भी इटसेल्फ एक फॉर्म ऑफ रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, वेयर अ पर्सन इज प्रिवेंटेड फ्रॉम प्रोसीडिंग बियॉन्ड सर्टन सर्कमस्क्राइबिंग लिमिट्स. तो ऑब्वियसली रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट चूंकि एक किस्म का रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट है, तो अगर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कॉज किया, इट्स इटसेल्फ अ थेफ्ट. फॉर एग्जाम्पल जो घर में मेंबर्स हैं, अगर वो किसी कमरे में हैं और ये थेफ्ट कॉज कर रहे हैं, थेफ्ट करने के दौरान इन्हें लगा कि घर वाले जाग गए, या उनको जगाने से बचाने के लिए उसने कमरे को लॉक कर दिया बाहर से, अब वो निकल नहीं पा रहे हैं, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हो गया उनका और ये थेफ्ट करके निकल गए, दिस इज नॉट थेफ्ट, दिस इज अ केस ऑफ रॉबरी. इसी तरह उनको फेयर ऑफ इंजरी कॉज किया, और क्या है, वॉलेंटरली नॉट इंटेंशनली. फिर बता रहा हूँ, रीजन टू बिलीव अगर है इंसान को, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान ने गैस छोड़ दी, एलपीजी गैस है कोई भी गैस, ताकि घर वाले उनको दिखे नहीं कुछ, या डर जाएं, या दे दे उनकी आंखें जो चौंधियाँ जाएं उनको कुछ लगे नहीं और हम चोरी करके निकल जाएं, या आंखों में मिर्च डाली. सो गैस निकल गई और उससे किसी की डेथ हो गई, सो ही हैड अ रीजन टू बिलीव द पर्सन ऑफेंडर, उसे रीजन टू बिलीव था दैट इट माइट कल्मिनेट और टर्न इन टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. सो इन दैट केस दिस case of theft is not a theft anymore, ये robbery बनता है. So once again याद रखिएगा, इसमें death या hurt या wrongful restraint cause करे इंसान, या इनका attempt करे, या fair करे, मगर fair होना चाहिए instant. अगर instant नहीं है तो फिर ये theft नहीं होगा. जैसे मैंने मिसाल दी वो खत छोड़ के गए चोर कि अगर पुलिस को गए तो बम से उड़ा देंगे, ये future के लिए धमकी है, there is no instant fair.
नाउ एक्सटॉर्शन से और ये क्लियर हो जाएगा व्हेन एक्सटॉर्शन अमाउंट्स टू रॉबरी. हम इस प्रोविजन को ऐसे ले लेते हैं एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी. अब अगर गौर से मुताला करेंगे इफ़ वी लुक एट द प्रोविजंस ऐसा लगता है कि बेटर वुड हैव बीन कि जो पहला पार्ट है इन ऑल दिस दिस दैट दैट इज रॉबरी इफ इन दैट 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 केस ये होना चाहिए था 378 का प्रोविजो थेफ्ट की डेफिनेशन में नीचे ही डाल देता कि थेफ्ट इस टाइम रॉबरी बनती है तो अलग से रॉबरी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं थी और एक्सटॉर्शन 383 की डेफिनेशन में ये डाल देते जो हम एक्सटॉर्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं. एनीवेज बट इट वाज द विजडम ऑफ द लेजिस्लेटर्स ये चूज किया गया एंड हैज स्टिल बीन रिटेन्ड बट एज स्टूडेंट्स वी सबमिट और सजेस्ट कि ये ऐसा होना चाहिए ताकि काम आसान हो जाए. नाउ लुक एट एक्सटॉर्शन अमाउंटिंग टू रॉबरी. तो फर्स्ट थिंग जो चाहिए होगी इसकी डेफिनेशन के लिए ऑब्वियसली एक्सटॉर्शन ही चाहिए होगा बिकॉज एक्सटॉर्शन रॉबरी बन रहा है अब थेफ्ट नहीं है. थेफ्ट से ज़्यादा स्कोप इसका वाइडर है क्योंकि इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं मूवेबल या इमूवेबल दोनों आते हैं वैलेबल सिक्योरिटी आता है और एनीथिंग साइंड सील्ड विच में बी कन्वर्टेड इनटू अ वैलेबल सिक्योरिटी. तो एक तो ये चीज़ है. दूसरा इसमें प्रॉपर्टी डिलीवर की जाती है मूव नहीं की जाती और तीसरी चीज में फेयर ऑफ इंजरी कॉज किया जाता है दैट मेक्स इट बिट टेक्निकल. इसीलिए मैं कह रहा था ये सब अब मिक्स होने लग जाएगा. लेट्स लुक एट द बेयर प्रोविजन. हम कीवर्ड्स नोट करते जाएंगे. नंबर वन इज एक्सटॉर्शन कीवर्ड है ही और हमें इसके लिए 383 देखना पड़ेगा. एक्सटॉर्शन इज रॉबरी इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ये टाइम को आप अंडरलाइन करिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ द ऑफेंडर एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन is in the presence bhi zaruri hai is in the presence of the person put in fear and commits extortion phir ye extortion wo kare ek to pehli cheez hai at the time essential hai this is an offense ya this is a provision jisme time material hai agar presence baad mein hasil ho gayi ya us time nahi thi ya if he is not at the time present This will not amount to robbery. This will be a bare case of extortion. So, पहले क्लॉज में prerequisite theft था इसमें पहले extortion के सारे essentials satisfy होने चाहिए 383 के. But फिर क्या होगा That at the time person is present. ये जो offender है जो extortionist है he is in the presence of the person put in fear. और फिर क्या करे At that person is present and commits the extortion. By putting the person in fear of अब नहीं है fear of injury आपको याद होगा वहाँ word था compare कर रहा हूँ ये essential नहीं है हमने 44 में इसको समझा section 44 कहता था injury is a harm whatever illegally caused against to a person in body mind reputation or property इसमें हमने देखा slightest even अगर उसको assault भी cause किया that's an injury even इसको defamation का फेयर कॉज किया दैट्स एन इंजुरी. सो यहाँ पे इंजुरी नहीं वर्ड यूज हुआ है बट कॉजेज द पर्सन उसमें से इंजुरीज में से तीन तरह की इंजुरीज स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई कर दी वही जो मैं बोल रहा था आपको डर डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट एंड पुट्स दैट पर्सन इन फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट इंस्टेंट रॉन्ग फॉर रिस्ट्रेंट. और फिर क्या करें अभी ऑफेंस कंप्लीट नहीं हुआ एंड बाय सो पुटिंग द पर्सन इन फेयर इंड्यूसेस द पर्सन पुट इन फेयर देन एंड देयर दिस इज एन एरर देन एंड देयर ये एक और डिफरेंस है पेरेंट प्रोविजन से क्योंकि इसमें थेफ्ट अमाउंट्स टू रॉबरी उसका पेरेंट प्रोविजन थेफ्ट है 378 एक्सटॉर्शन का पेरेंट प्रोविजन 383 है तो ये डिफरेंट है पेरेंट प्रोविजन से ऑन मेनी स्केल्स एक वन ऑफ देम इज देन एंड देयर वहाँ देन एंड देयर नहीं चाहिए एंड देन ही इंड्यूसेस दैट पर्सन पुट इन फेयर देन एंड देयर टू डिलीवर अप द थिंग एक्सटॉर्टेड द डेफिनेशन इज कम्प्लीट. फिर से एक बार डेफिनेशन की तरफ देख लेते हैं. एक्सटॉर्शन इज रॉबरी If the offender at the time of committing the extortion is in the presence word ko underline kariyega of the person put in fear and commits the extortion by putting the person in fear of instant death or instant hurt or instant wrongful restraint to that person or to any other ya kisi aur ko and by so putting in fear
induces the person so put in fear to deliver then and there to deliver of the thing extorted then and there. एक एक करके इन वर्ड्स को इसेंशियल्स को या इंग्रेडिएंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. नंबर वन इज एक्सटॉर्शन, हम ये समझते हैं, इसकी डिस्कशन में फिर नहीं जाएंगे. 383 के सारे इसेंशियल्स इसके लिए सेटिस्फाई होने चाहिए. नंबर टू इज टाइम, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन पर्सन मस्ट बी प्रेजेंट. सो इवन अगर एक्सटॉर्शनिस्ट फॉर एग्जाम्पल, सी टाइम क्यों इसेंशियल है, अपने क्लाइंट को अगर वो एक्यूज्ड है देखिए कितनी आसानी से आप बचा सकते हैं. सपोज ए इज अ पर्सन, ए ने बी को कॉल करके कहा और ए अमेरिका में है और बी इज़ द पर्सन इन भरतपुर, राजस्थान एक जगह है भरतपुर, और बेंगलुरु में समझिए बेंगलुरु है. सो दिस पर्सन कॉलिंग फ्रॉम अमेरिका और सेंडिंग एन ईमेल फ्रॉम अमेरिका कि तुम्हारी जो चीज़ है वो मेरे पास है, एक चीज़ डिफेमेटरी कोई चीज़, उसको मैं पब्लिश कर दूंगा. सो अगर मुझे इतने पैसे नहीं भेजे, सिटिंग इन अमेरिका ही माइट कमिट द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन क्लियरली बिकॉज देयर इज फेयर ऑफ इंजुरी, और इंजुरी यहाँ पे फिजिकल इंजुरी नहीं होती है समझते हैं हम, बट प्रेजेंस नहीं है, एट द टाइम तो नहीं है. अगर ये पैसा लेने के लिए अब ये एग्री कर गया ठीक है फलां तारीख पे आ जाओ पैसा ले लो, और ये आया उस डेट पे पैसा लिया लेकिन टाइम डिफरेंट है, तो फेयर कॉज करने का, दिस इज़ अ वेरी 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 वीक केस इफ़ वी कॉल दिस केस ऑफ रॉबरी. इट्स नॉट अ केस ऑफ रॉबरी, इट्स अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन. सो टाइम इसेंशियल है. नंबर टू इज इन प्रेजेंस, तो इसी इलस्ट्रेशन में देखिए आप प्रेजेंट नहीं है सो इट इज़ नॉट अ केस ऑफ रॉबरी, इट माइट बी केस ऑफ एक्सटॉर्शन. मिसाल के तौर पर एक सिटी से दूसरी सिटी में है, फॉर एग्जाम्पल देर इज बी एंड बी इज अ पर्सन इन suppose Bangalore and there is a person D is in Delhi, they are not present to each other. So B as a person offender might commit extortion D ke respect mein but robbery nahi kar sakta because presence nahi hai. To presence word ki definition kahan se milegi, let's move to the explanation. Iski explanation hame samjhayegi that offender is said to be present if he is sufficiently near, उसका sufficiently near होना चाहिए to put the other person in fear of instant death. तो instant होने के लिए तो physically present होना पड़ेगा, obviously लग रहा है. For example, अब ये बेंगलोर से कह रहा है इसको डी को कि मैं रॉकेट से उड़ा दूंगा, highly improbable, he is not physically present and rocket, it's a very weak case of robbery. So this is a clear cut case of extortion. तो अभी टाइम और प्रेजेंस ये दो चीज़ें चाहिए एक्सटॉर्शन कमिट किया. देन व्हाट ही कॉज्ड, वहाँ एक्सटॉर्शन में पेरेंट प्रोविजन में होता था फेयर ऑफ इंजरी, और आप जानते हैं इन फेयर ऑफ इंजरी में बहुत बड़ा स्कोप था. अब ये फेयर ऑफ इंजरी जो थी उसमें से फिर से बता रहा हूँ चैप्टर 16 के ये तीन ऑफेंसेस लिए, डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और इनको हम थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी में डिस्कस कर चुके हैं कि ये वही है डेथ और हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट. अब ये दिस डज नॉट अप्लाई के डिफेमेशन. अब अगर फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसका मतलब क्या है कि इन तीन को मेंशन किया. फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन बी इन प्रेजेंस ऑफ डी, बी सपोज मुंबई में है और डी भी मुंबई में है, एट अ सेम प्लेस प्रेजेंट भी है, और वो ये कहता है उसको कि ये तुम्हारी फोटो है इसको वायरल करा दूंगा अगर मुझे पैसे नहीं दिए, दिस इज़ अ क्लियर कट केस ऑफ व्हाट, इन नो वे इट्स रॉबरी इट्स एक्सटॉर्शन, बिकॉज उसमें फेयर ऑफ नहीं डेथ नहीं हो रहा है और नहीं रोप फेयर ऑफ इंजरी है क्योंकि स्लैंडरस है, लिबलेस है, डिफेमेशन का डर है इसमें जिससे डरा रहा है, या उसको ये कह देगा कि मैं तुम्हें इल्ज़ाम लगाऊंगा तुम पे. सो इट्स अ क्लियर कट केस ऑफ एक्सटॉर्शन एंड नॉट रॉबरी. ये बार बहुत अच्छी तरह समझिएगा बात, वरना प्रॉब्लम्स पूछते वक्त स्टूडेंट्स अक्सर इसको गलत अटेम्प्ट कर लेते हैं. सो देयर मस्ट बी इंस्टेंट. अब एक चीज़ है इंस्टेंट तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, थेफ्ट अमाउंटिंग टू रॉबरी में अलग था, वहाँ कॉज कर सकता था अटेम्प्ट कर सकता था और इंस्टेंटली दीज, बट यहाँ सिर्फ यही तीन है इंस्टेंट डेथ और इंस्टेंट हर्ट और इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का फेयर, बस फेयर काफ़ी है, याद रखिए फेयर काफ़ी है.
तो फेयर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फेयर ऑफ इंस्टेंट हर्ट और फेयर ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन जिसे वो एक्सटॉर्ट करे या किसी और को कॉज करे। मगर इंस्टेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने पहले भी कहा लेकिन यहाँ हमें मदद देगा एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन डी, इसका देख लीजिए आप। आप बेयर एक्ट में देखिए, इलस्ट्रेशन डी हमें समझाएगा अगर फेयर इंस्टेंट नहीं है तो। हालांकि ये जो इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन डी जिसकी तरफ मैं रेफर कर रहा हूँ, दिस इज अ बॉर्डर लाइन, बहुत वीक इलस्ट्रेशन है। करेक्ट है, मैं नहीं कह रहा हूँ गलत है, बट ये सही है इलस्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल ये एक्सटॉर्शन है और एक्सटॉर्शन का बॉर्डर यहाँ खत्म होता है और एक्सटॉर्शन यहाँ रॉबरी बनती है, इस सरहद से आगे ये रॉबरी बनती है और दिस इज एक्सटॉर्शन। ये जो इलस्ट्रेशन है ये है ये, लेकिन जो इधर ही मिलेगी हमें उधर नहीं। आप देखिए इलस्ट्रेशन कितनी इंटरेस्टिंग है, इलस्ट्रेशन डी। इलस्ट्रेशन डी सेज दैट अ पर्सन ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी, ये नहीं है कि अभी प्रॉपर्टी वो ऑब्टेन करेगा, ही ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड, उसने उससे ले ली प्रॉपर्टी, ये बोल के क्या, दैट योर चाइल्ड इज इन पोजेशन और हैंड्स ऑफ माई गैंग, मेरे आदमियों के पास तुम्हारा बच्चा है और अगर तुमने हमें 10,000 रुपये नहीं भेजे वो उसको मार देंगे। सो दिस इज अ बॉर्डर लाइन, ये उसको अभी कह रहा है कि हम उसको मार देंगे। देयर इज फेयर ऑफ डेथ बट इट्स नॉट इंस्टेंट। ऑल्दो आपको अभी सिंपथेटिक या ये ह्यूमैनिटेरियन एटीट्यूड जो हमारा है वो ये कहेगा कि दिस इज़ अ वेरी वीक इलस्ट्रेशन, ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बट थैंकफुली दिस ऐसे केसेस को कवर करने के लिए अमेंडमेंट आ चुका है। और लास्ट लेक्चर्स में हम वो डिस्कस कर चुके हैं, किडनैपिंग फॉर रैंसम 364A में पनिशेबल है ऐसे केसेस में, एंड इट इज़ यू नो दिस इज़ द यूनिक केस विच इज़ पनिशेबल बाय डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इसमें डेथ पेनल्टी है किडनैपिंग फॉर रैंसम में। सो ऑल तो उसका चार्ज भी लगेगा, बट अगर इसमें चार्ज लगा इसको रॉबरी का, ये फेल हो जाएगा। दिस इज अ क्लियर कट केस ऑफ किडनैपिंग फॉर रैंसम प्लस एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन इसलिए बिकॉज वो उसको कहता है कि ही विल बी पुट टू डेथ। इसी तरह अगर वो आया और ये कहा कि ये चीज़, वो ज़मीन जो है फलानी ज़मीन मेरे नाम लिखवा दो, एंड या इतने पैसे भेजो मुझे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए गया बी के घर में और फेयर कॉज किया, फेयर ऑफ इंजरी, और फेयर कॉज करके कहा कि 30 तारीख तक मुझे 30 लाख रुपए देना, और अभी तारीख एक ही है या 28 ही है। दिस इज नॉट अ केस ऑफ रॉबरी बिकॉज फेयर ऑफ इंजरी इंस्टेंट नहीं है, और अगर उसको इंस्टेंट भी मान लिया जाए कि उसी वक्त फेयर ऑफ इंजरी कॉज किया या फेयर ऑफ हर्ट कॉज किया उस टाइम, यानी गन पॉइंट पे रखा, बट जो अगला इसेंशियल है जो मैं बता रहा था देन एंड देयर बहुत इंपॉर्टेंट है, ही मस्ट इंड्यूस द पर्सन पुट इन फेयर टू डिलीवर देन एंड देयर, ये इंपॉर्टेंट है। अगर किसी फ्यूचर डेट के लिए पूछा, फ्यूचर डेट के लिए कहा कि डिलीवर करो, इट्स अ केस ऑफ एक्सटॉर्शन, इट विल नॉट बी अ केस ऑफ रॉबरी। तो रॉबरी और एक्सटॉर्शन का हम कंटिन्यू करेंगे अगले डिस्कशन में। दैट्स इनफ फॉर टुडे। 4 इलस्ट्रेशंस दी हुई हैं रॉबरी की, काइंडली गो थ्रू देम। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक दीज प्रोविजंस एट लेंथ और फिर ओवरव्यू ऑफ प्रोविजंस भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।